गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत। आज थोड़ा सा लेट, 10:54, ओनली 6 मिनट्स लेफ्ट टू 11 इन द मॉर्निंग। वो देखिए, हवा कम होने के कारण फ्लैग आज भी बिल्कुल अपने फ्लैग पोस्ट पे लगा हुआ है। सुबह अच्छी ड्रिजलिंग होके हट चुकी है और अभी भी कभी कभी एक आध बूंद गिर जाती है, तो बिल्कुल लाइट ड्रिजलिंग अभी चालू है। जहाँ थे हम, ब्रेकफास्ट वही हो चुका है और अब जाकर घर रेडी होना है, क्योंकि 1 बजे के करीब हमने कहीं पहुँचना है। कुछ एक टॉक शो टाइप अरेंज कर रहे हैं, बस ऐसा ही है। अब दिन जैसे जैसे बढ़ेगा, जो जो होगा आपको बताते हैं। और अभी हम पहुंचेंगे घर पे और फिर सीधा आपको मिलेंगे रेडियो के। तो जी, काम शुरू हो चुका था, अभी रेडियो होने में टाइम है। तो हमने डाल लिया अपना वही तड़का छाछ ऑन द रॉक्स। लो जी, हो गए हैं रेडी और ऑलरेडी थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं। फटाफट से यहाँ से निकलना है, दर्शन सिंह वीर जी के यहाँ पे चलना है, उनके साथ फिर आगे कहीं पे जाना है। कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको सब अपडेट के साथ बताता रहता हूँ। फटाफट भागम भाग में यहाँ से निकल रहे हैं। तो जी, भागम भागी में जा रहे थे क्योंकि लेट हो गए थे। और दर्शन वीर जी, ये देखो पता नहीं कौन सा वीडियो चल जाता है सबका। तो अब हो गया है अपना जो काम, जहाँ गए थे मीटिंग से वापस चल रहे हैं। बारिश का मजा ले रहे हैं, देखो बाहर बारिश। और ये देखो क्या सही लगे हुए हैं टैंडम में दोनों के दोनों। और बारिश है, ये देखो आज लगी है सावन की फुल झड़ी। तब से जो बारिश हो रही है जबरदस्त वाली होती जा रही है, मस्त हो गए। ये देखो बारिश, मैं बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहा था, आज आ ही गई आखिरकार। ये देखो, much later दर्शन सिंह जी के साथ चले गए थे कहीं वजीरपुर, वहां से निकले हैं अब। और फिर उनकी यहाँ शॉप है जो गिफ्ट सॉल्यूशंस, ये मोतीनगर में, यहाँ आ गए थे। थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं और अब बस भाई साहब भी निकलने लगे हैं, हम भी चल रहे हैं। 6:20 हो गए हैं, 8:20 बता रहा था। तो यहाँ से सीधा निकलेंगे घर के लिए, रास्ते में जो भी अगर कुछ दिखाने लायक होता है देखते हैं। मस्त वाली बारिश शुरू हो गई है, कैमरे पे भी 1-2 बूंदें पड़ गई हैं जिसकी वजह से कैमरा शेडी हो गया है और अच्छा लग रहा है। बस भाई साहब भी आ गए हैं, अब चलते हैं इनके साथ, कैमरा भी साफ कर लेता हूँ। गाना तो याद आ रहा है पर गा नहीं सकते, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। गाना है वो, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, पर गा नहीं सकते ना यार, नहीं तो इसमें कॉपीराइट आ जाता है, थोड़ा सा भी गा लो तो। चलो चल रहे हैं घर की तरफ। लो जी, पहुंच गए हैं घर पे, टाइम हो गया है एग्जैक्टली 19:19 यानी कि 7:19, ऑलरेडी 7:15 इन द इवनिंग। और बहुत तेज भूख लग रही थी तो रस्ते में से आते आते कुछ ले लिया, हालांकि बाहर ड्रिजलिंग हो रही थी, खाने के लिए कुछ ले आए हैं। अभी ये खाते हैं, थोड़ा सा ऑन द रॉक्स जीरो वाला ड्रिंक पियेंगे, बहुत तलब लग रही है इस टाइम, प्यास भी बहुत लग रही है। और तकरीबन 8:30-9 के बाद दोबारा मिलते हैं, देखते हैं बाहर अगर बारिश नहीं होगी तो कुछ खाना लेने के लिए थोड़ी सी घेड़ी के लिए निकलेंगे, नहीं तो फिर घर पे ही है, राइट। सो देखते हैं क्या होता है, फर्स्ट फटाफट पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी। आपको मिलते हैं अगले अपडेट के साथ थोड़ी देर के बाद। लो जी, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर से कैजुअली हो गए हैं रेडी। टाइम हो गया है 9:17, ऑलरेडी 9:15 एट द नाइट। और थोड़ी सी गेड़ी, क्योंकि अपनी जीरो वाली ड्रिंक खत्म हो रही है, वो भी लेके आते हैं। और कमलेश के पास भी देखते हैं अगर खाने को कुछ अगर मिलता है, मतलब खाने को तो मिलेगा ही, अगर वो होगा अपने अड्डे पे है तो उससे खाने के लिए कुछ लेके भी आते हैं, राइट। सो जल्दी से निकलते हैं, बाहर के हालात देखते हैं, क्योंकि बारिश खूब हुई थी, उसके बाद क्या हालात हैं वो देखते हैं और फिर कमलेश के पास चलते हैं। मौसम तो मस्त एकदम, हवा ठंडी है, ह्यूमिडिटी अभी नहीं बोल सकता क्योंकि बारिश होने के बाद ना सड़कें भी गीली हैं और हवा भी गीली है। और अभी ना एक ये बारिश का रिपरकशन मेरे को अभी अभी देखने में मिला, यहाँ पे ना बिल्कुल चाबी के पास नीचे, जहाँ ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग
जो लगा हुआ जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा चूहा बैठा हुआ था। ओह भाई साहब, मैं तो देख के एकदम हिल गया। मैंने कहा ये चूहा कहाँ से आ गया भाई। तो मैंने एकदम मोटरसाइकिल को साइड लगाया और फिर देख रहा हूँ क्या करूँ, वो यहीं बैठ के वेट कर रहा है, क्या करूँ। तो इसका मतलब वो बारिश के चक्कर में ना ये मोटरसाइकिल के अंदर घुस गया था। और मैं जब पिछली बार वायरिंग अपना गाड़ी को सर्विस करवाने गया था ना, तो इसके फिल्टर के अंदर जैसे मैं कपड़ा रखता हूँ तो उसकी बिल्कुल कुतरन पड़ी हुई थी। तो उसने बोला कोई चूहा होगा। वो आज मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा से मोटरसाइकिल में घूम रहा होगा, आज बारिश के कारण एक और आ गया होगा छुपने के लिए और वो यहाँ पे एकदम आगे बैठा हुआ। वो मोटरसाइकिल के ऊपर मैंने फिर जैसे ही हल्का सा ठक करके हाथ मारा अपनी चाबी पे, वो वहाँ से डर के कूद गया नीचे। मैंने देखा उसको कि वो बिल्कुल कूद गया, मतलब इट वॉज वो एकदम से ये भी नहीं समझ आया कि मैं कैमरा निकालूं और आपको दिखाऊं, देखो छोटा सा चूहा बैठा हुआ है। मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार ये कहाँ से आ गया। फिर समझ आया कि वो लोग ना बारिश के टाइम में शरण लेने के लिए आ जाते हैं और फिर वो अपनी कलाकारी भी दिखा देते हैं, कटिंग कर देते हैं तारों की और तारें खराब हो जाती हैं कट कट के। चलो गेड़ी चल रही है, पहुंचते हैं कमलेश के पास, फिर मिलते हैं। हरी मिर्च लाया आज? आज लाया। कितनी? आधा किलो। मैं आधा किलो नहीं खाने वाला, मेरे को तो 2-3 डाल देगा। क्यों भाई? मेरा दोस्त पक्का वाला है, पक्का वाला। तेरे को कश्मीर भेज दूंगा भाई। हेलो फैजान भाई, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो इसके लिए वहाँ ठिकाना ढूंढो, इसको वहाँ लाएंगे, मस्त खाने बना के खिलाया करेगा, ठीक है? वो बोल तो दे हेलो फैजान भाई। हाँ जी, पहुंच गए हैं घर पे। टाइम अब हो गया है 9:43। बहुत लेट चल रहे हैं आज हम, तकरीबन 9:45 हो चुके हैं और अब हम घर आए हैं। आते आते ये खाना भी आ गया है और साथ में हमारे जीरो वाले ड्रिंक की बॉटल्स भी आ गई हैं। ब्रांड नहीं दिखा रहा, क्वाइट ऑब्वियसली यू नो इट कि ब्रांड तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक ब्रांड पैसे ना देने लगे, राइट? सो खाना भी खा लेते हैं और इस वीडियो को एडिट भी कर देते हैं। सुबह बहुत जल्दी उठना है, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल वाली वीडियो में देख लेना आप। और अभी फिलहाल वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। यहां तक देख लिए तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स और ईमेल आपके लिए खुली हुई है, राइट? सो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।